कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों के पूरा न होने पर गुस्सा दिखा रहे हैं। कर्मचारियों ने करनाल में भी धरना देकर अपना रोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर पहुंचकर कर्मचारी संगठनों द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने मीडिया को बताया कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जा रहा है, जो बेहद गलत है। इसके अलावा पीजीटी अध्यापकों की भर्ती रद्द की गई है, जिससे अध्यापकों के परिवारों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिसे सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। इस मौके पर विभिन्न संगठनों द्वारा रोष प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी पहुंचकर कर्मचारियों की समस्याओं को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में जो 3 नए कानून लाए गए हैं, उससे सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं होगा, उससे कर्मचारी, दुकानदार व आम नागरिक भी प्रभावित होगा। इसलिए सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति का कड़ा विरोध किया जाएगा। बताते चले कि इस धरने के उपरांत बड़ी संख्या में कर्मचारी लघु सचिवालय में नारेबाजी करते हुए पहुंचे और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर डीसी ऑफिसों पे 11 से 3 बजे तक धरना देने के बाद कर्मचारियों का जो मांग पत्र है, वो मांग पत्र डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देने का है हमारा। उस मांग पत्र में मुख्य जो मांगे हमारी, एक तो लगातार जिस तरीके से कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा, रिजल्ट रद्द कर दिए गए हैं और कच्चे पक्के कर्मचारियों की नौकरी के ऊपर जो लगातार हमले हैं, उसको लेके एक पुरानी पेंशन पॉलिसी, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जो सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, इस सरकार ने वो सुरक्षा छीन रखी है, उसको लागू करवाने के लिए। और लगातार सरकारी विभागों को जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, हर सरकारी विभाग को ये बीजेपी सरकार पूंजीपति के हवाले करने जा रही है, उसके विरोध में भी हमारा मांग पत्र है। और लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार नौकरियाँ नहीं निकाल रही है, एक साल के लिए नौकरियों में प्रतिबंध लगा दिया गया और जो छोटी मोटी नौकरियाँ निकलती हैं उनके ऊपर केस होते हैं, और सरकारी विभागों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी लगातार संख्या घटती जा रही है, जिससे आम जनता का जो काम समय पर नहीं हो पाता, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी को लेकर आज ज्ञापन देने का हमारा प्रोग्राम है डीसी के माध्यम से। बैनर के नीचे किया जा रहा है, ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का बैनर है, पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के नीचे ही मांग पत्र। किन किन संगठनों का समर्थन मिल रहा है आपको इस आज के प्रदर्शन में? जो हमारे बीच में किसान साथी भी पहुंचे, किसान यूनियन के साथी हमारे, वो हमारे बीच में आए, उन्होंने भी समर्थन दिया कर्मचारियों को, इनके जायज मांगों को लेकर और सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ। मांग क्या है? मांग क्या है? मांग हमारी मुख्य मांग है, तक तो नौकरियों से निकालने का जिस तरीके से काम चल रहा है सरकार का, इस काम को बंद करे, सरकारी स्थाई रोजगार दे, भर्तियां निकाल ले, निजीकरण पर रोक लगाए, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल हो, और जबरदस्ती कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट का फरमान सरकार ने जारी कर रखा है, प्रीमच्योर रिटायरमेंट, उसको वापस ले और पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल करे। इन्हीं मांगों को लेकर मुख्य मांग 21 सूत्री मांग पत्र हमारा, वो मांग पत्र हम डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम आजम थे। मलकीत सिंह, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। जो यहाँ पर संदीप दास जी बैठे हैं, इनकी बात हुई प्रधान जी से, उन्होंने इनको आश्वासन दिया भाई मैं तो राजस्थान जा रहा हूँ, कल वहां पर किसान महापंचायत है श्रीगंगानगर जिले में, पर करनाल वाले साथी पहुंचेंगे, उन्हीं के आज प्रदेश पर हम सभी पहुंचे हैं। और यहाँ पर मैं एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ भाई, आज ये लड़ाई 130 करोड़ लोगों की है, लड़ाई देश को बचाने की है। ये जो सरकार है, ये जो प्रधानमंत्री है, ये इस देश को कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचना चाहता है, उसके लिए सारी नीतियां बनाई जा रही हैं, सारे महकमे खत्म किए जा रहे हैं सरकारी, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में किया जा रहा है। आपके सामने यह रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, हर चीज को बेचा जा रहा है। ये एक नीति है इस देश के, लड़ाई पूंजीपति के खिलाफ हमारी। सबसे पहले तो हमारा दुश्मन सारों का एक है, यदि कृषि कानून भी बढ़े, जो खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा बाजार है इस देश में, उसमें उसके उसमें उतरने के लिए ये बेताब है कॉरपोरेट घराने पूंजीपति वर्ग, उसके लिए कानून बनाए गए। ये लड़ाई किसानों ने जरूर चालू की, पर लड़ाई 130 करोड़ की है। ये चीज शुरू में या तो हम समझाने में थोड़े कम कामयाब हुए, पर अब आम वर्ग इस लड़ाई को समझने लग गया। ये लड़ाई
सिर्फ किसानों की नहीं थी, लड़ाई 130 करोड़ की थी। जो हमारी खाने पीने की वस्तुएं हैं उस पर कुछ चंद पूंजीपति कब्जा करना चाहते हैं, फिर मनमाने रेटों पर इस देश को भुखमरी फैलाई जाएगी और हर वर्ग को पिछड़ना पड़ेगा। आज सारा देश से हर जगह से समर्थन मिल रहा है तो मैं उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। हर वर्ग ने हमें इस आंदोलन में भी समर्थन किया, पर आज हमारा भी फर्ज बनते हैं, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे, जो आपके सीनियर नेता हमें आदेश करेंगे, हम अपने साथियों के साथ हर समय आपको आगे मिलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।